हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो भाई ब्लॉग होने वाला है काफ़ी खूबसूरत सा होने वाला है। और आज मैं आपको सऊदी का काफ़ी खूबसूरत जगह के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि वाकई में यार सऊदी के अंदर जो रहते हैं तो यहाँ का जो पार्क वगैरह होता है कैसा सिस्टम होता है, क्या होता है, कैसा नज़ारा होता है। वाकई में ये चीज़ आप इस ब्लॉग के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए हम लोग निकल दिए हैं अभी भाई उस पार्क में। और पार्क के दौरान हमारे कुछ फ्रेंड हैं, हो सकता है उनसे भी हमारा मुलाकात हो जाए, तो उनसे भी मैं ट्राई करूंगा बात कराने का। और चलिए अभी जो आप देख रहे हैं ये ठीक मतलब पार्क से पहले का है मतलब रास्ता। और ये जो हम लोग चल रहे हैं भाई बीच होकर के चल रहे हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं इनका जो डेकोरेशन वगैरह है ब्लू लाइट लगा हुआ है, सॉरी ग्रीन जो लाइट लगा हुआ है काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। और जैसा कि आप देख सकते हैं वाकई में यार कोई भी हो उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ ड्यूटी के बाद यार थोड़ा जो मतलब घूमने का जो टाइम मिलता है ना यार, वाकई में यार दिल बहुत खुश हो जाता है। पता नहीं आप लोग के पास ऐसा टाइम मिल रहा होगा नहीं मिल रहा होगा मुझे नहीं पता है, हाँ लेकिन ये तो है भाई। देखो टाइम अगर ना ही मिलता है, अगर घूमने का मूड किसी को भी करे तो उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है क्योंकि ड्यूटी का सिस्टम आप सारे लोगों को पता ही है। लेकिन ड्यूटी के बावजूद भी भाई मैं आप लोगों को सऊदी का खूबसूरत सा नज़ारा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वाकई में जो सऊदी का सिस्टम है, सऊदी का कल्चर है, सऊदी का जो एटमोसफेयर है, वातावरण है, आखिर वाकई में कैसा है, ये सब मैं आपको कोशिश करता रहता हूँ दिखाने का। और चलिए अभी जो पार्क और इसके जो बीच का जो मतलब फासला है, डिस्टेंस है, वो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। और जैसा कि देख सकते हैं कुछ कुछ यहाँ पे जो शॉपें हैं वो तो क्लोज हो चुका है, बट हाँ कुछ कुछ क्लोज जो शॉप है वो ओपन है। और जैसा कि देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं ये मेडिकल है, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं भाई सामने ठीक यही पार्क है, लेकिन उसके आगे मतलब पार्क है ये, जस्ट मतलब यहाँ पे बोला जाए तो एक गोलंबर टाइप का है। और जो गोलंबर का भाई डेकोरेशन है ना भाई, रियली में काफ़ी मतलब खूबसूरत है। वाकई में आप भी देखोगे तो लगेगा कि हाँ यार वाकई में सिटी, ये कौन सा सिटी है रियली में यार, काफ़ी खूबसूरत सा मतलब नज़ारा, क्योंकि हम तो अभी दूर से ही देख पा रहे तो हमें ऐसा लग रहा है। बाकी आपको मैं जब नज़दीक से दिखाऊँगा तो वाकई में आप दंग रह जाओगे। चलिए हम लोग धीरे धीरे कदमों से पहुंचने वाले हैं, और देख सकते हैं ये फ्रूज यहाँ पे दोबारा से हम लोग पहुंचे हैं, एंट्री किए हैं। और जैसा कि देख सकते हैं अभी हम दोनों लोग देखो यार ब्लॉगिंग करते करते हम लोग फाइनली जो है यहाँ पे पहुंच गए हैं। और ये जो है आप देख रहे हैं ये पार्क का जो है मतलब स्टार्टिंग वे है, और देखने के बाद वाकई में यार मुझे बहुत अपने आप में खुशी मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आप भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, देख रहे हैं ये जो डेकोरेशन वगैरह है ये ठीक मतलब पार्क का मतलब स्टार्टिंग एरिया है। और ये जो आप देख पा रहे हैं आई थिंक आपको मैं बताया था, एक सेकेंड यहाँ पे है, और मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा आपको पार्क के इनसाइड लेकर के जा करके दिखाने का कि वाकई में जो है यार ये ज़्यादा नहीं यार, कुछ दिन पहले की बातें हैं, जब हम आए थे तो उस टाइम इसका मतलब ऐसा कुछ डेकोरेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं चारों साइड ग्रीन एरिया हो गया। वाह यार कितना खूबसूरत सा मतलब नज़ारा है यार, रियली में यार जो भी हो इसके बारे में तारीफ कितनी भी की जाए वह बहुत कम है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार, तारीफ की जाए वो कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार ज़्यादा नहीं, मैं एक डेढ़ महीने पहले की बातें हैं, जब मैं यहाँ पे आया था ना तो उस टाइम ऐसा कुछ मतलब मोमेंट हमें देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज वाकई में यार देखो यार यहाँ पे मतलब कितने कम समय में मतलब इनकी जो डेकोरेशन वगैरह है कितना ख़तरनाक हो गया यार। यही होता है यार मतलब राजतंत्र और लोकतंत्र में ये भी एक बहुत बड़ा मतलब जो है ना अहम भूमिका रोल निभाता है यार, राजतंत्र और लोकतंत्र में।
राजतंत्र का यही एक खूबी होता है कि मतलब वहाँ पे अगर किसी भी चीज़ को कोई भी ऐसा फंड अगर गवर्नमेंट अगर वो इशू कर देते हैं तो वो मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे जो थोड़ा सा पता है कि मतलब वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह 10 दिन 15 दिन आई थिंक ऐसे ही मतलब जो भी हो वह मैं अपने जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ वो मतलब जो है ना फंड लागू हो जाता है। लेकिन लोकतंत्र के बारे में आप लोग जो भी लोग इंडिया से हैं या फिर पाकिस्तान या जो भी क्या बात किया जाए तो बांग्लादेश, तो आपको अच्छे से पता है कि लोकतंत्र का क्या अभी मतलब जो राजनीति इतनी घटिया हो चुका है कि आप सारे लोग को पता है। और शायद अगर अच्छा रहता तो हम नहीं होते। तो देखो ये साबिया का लोगो है यार, ये कुछ समय पहले की बात है, ऐसा कुछ नहीं बना हुआ था, लेकिन आज देखो यार सारा यार कितना खूबसूरत सा मोमेंट है यार। वाह वाह देखो यार, देख सकते हो भाई, देख सकते हो। और ये जो भाई आप देख रहे हो ना, ये जो खाली जगह है ठीक मतलब आई थिंक फुटबॉल के लिए मतलब बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ जो फुटबॉल के जो मतलब लवर्स है ना भाई काफ़ी ज़्यादा है, उसका जो मतलब परसेंटेज है कहीं मतलब बेटर है, बेटर बोला जाए तो मतलब मोर देन है, आई मीन इसलिए मोर देन है कि यहाँ के लोग फुटबॉल को खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में क्रिकेट को। इसी वजह मतलब जो है ना यहाँ पे ये जो है मतलब ये बना दिया गया है, बोला जाए तो मैदान बना दिया गया है फुटबॉल। और भाई अभी हम लोग रोड क्रॉस कर लिए हैं और देख सकते हैं भाई जो नज़ारा है काफ़ी अच्छा है यार। देखो यार कितना खूबसूरत नज़ारा है, वाह यार रियली में यार जो नज़ारा है काफ़ी उम्दा है। और ये देखो लाइट सब जो इनके डेकोरेशन है भाई, काफ़ी जो डेकोरेशन करने का जो अंदाज था भाई काफ़ी अच्छा था। और ये देखो झाड़ी के जैसा बना दिया है, वाओ वाओ देख सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं भाई, देख सकते हैं। अभी ये स्टार्टिंग है पार्क, आपको मैं बताया था ना कि ये पार्क अभी तो स्टार्टिंग है, बस ट्रेलर है, पूरी मूवी अभी आपको एंड में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लेकर के अब ये रोड क्रॉस करते भाई, चलो चलो यल्ला यल्ला सूरा सूरा। तो हम लोग रोड धीरे धीरे क्रॉस कर दिए हैं, चलिए भाई अब हम लोग धीरे 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 कदमों से पहुंच रहे हैं पार्क के अंदर। और बाकी देख सकते हैं नज़ारा, देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा। कभी हम काम किया करते थे तो ये जो आप गोलंबर देखे इसके ठीक आगे बात किया जाए तो मतलब वो ओथम है, और सॉरी ओथम है पांडा है, पांडा के सामने में हम वहीं पे काम किया करते थे। लेकिन आज हम इससे थोड़ा डिस्टेंस हो गए हैं, हमारी दूरी हो गई है, क्योंकि हम अभी जो काम कर रहे हैं नूडल्स बार है वहाँ हम लोग काम करते हैं, लगभग यहाँ से 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन फिर भी मैं आया हूँ जस्ट व्लॉगिंग करने के लिए। हमारे कुछ फ्रेंड मतलब दोस्त हैं, उनका कहना था कि भाई वहाँ आपके नियरेस्ट में पार्क है यार, उस पार्क पे भी मतलब कभी कभी जा कर के दिखाओ वहाँ का मोमेंट। तो मैं वेट कर रहा था क्योंकि यहाँ जो कुछ कुछ चीज़ें न्यू बनने वाला था उसी का वेट कर रहा था। और जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, यही कुछ चीज़ें न्यू बना है। और बाकी ये जो देख रहे हैं ये सब कंस्ट्रक्शन में है, यहाँ पे भी कुछ मतलब स्पेशल मतलब अपार्टमेंट वगैरह बन रहा है यहाँ पे। देखो यार हम लोग पार्क के नियरेस्ट में है, मतलब नज़दीक में ही है, देख सकते हैं भाई यही है, यही वो पार्क है। बट जस्ट अभी रोड का अपोजिट साइड में हूँ मैं, पार्क के अपोजिट साइड में हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको ले जाने का। वाओ वाओ देखो यार लाइफ में तो एक बार चीज़ एक चीज़ मतलब आई थिंक आपने भी सीखा होगा और हमने भी अभी तक सीख लिया है कि जब एक साथी होता है ना जोरदार अगर अच्छा होता है तो वो कहीं से कहीं लेकर के चले जाते हैं। और एक्चुअल में जो आज हम आए थे यहाँ पे, आने का ऐसा कुछ प्लान अभी नहीं था, लेकिन हमारे एक टिकटॉकर भाई है, टिकटॉकर भाई को देख पा रहे होंगे, वो नया नया अभी टिकटॉक का मतलब आईडी बनाए हैं और उनके अंदर भी एक जुनून हुआ है कि नहीं यार चलते हैं घूमते फिरते हैं थोड़ा टिकटॉक का, हम भी अपना वीडियो बनाते हैं। तो उनका भी कुछ वीडियो बना है और बहुत जल्द वो भी अपलोड करेंगे। और टिकटॉक पे अगर टिकटॉक वाले लोग देख रहे होंगे तो आपका क्या नाम है टिकटॉक आईडी नेम क्या है? शेर सिंह। शेर सिंह, तो भैया शेर सिंह को एक बार जाके देख लो, इससे भी बेस्ट वीडियो आपको दिखाएंगे टिकटॉक में। और वो भी वीडियो ऐसा वैसा नहीं, ऐसे जगह का दिखाएंगे कि आप दंग रह जाएंगे।
क्योंकि हम वो बताएंगे ना, अभी अभी बता देंगे तो आपको फिर मज़ा ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ चीज़ें हाइट भी होना बहुत ज़रूरी होता है। और चलिए चलिए चलिए, पहुंच गए हैं पहुंच गए हैं। शेर सिंह कहाँ है हम लोग अभी तक? हम लोग गार्डन में जा रहे हैं। तो गार्डन में हम लोग पहुँचे नहीं है क्या? लोग वेट कर रहे हैं, हमारी वीडियो को जो देख रहे हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब आएगा गार्डन। आखिर हम कब तक लोगों को मतलब बनाते रहेंगे फूल यार? ये तो अच्छी बात है नहीं यार, तुम बोले अब आ गया अब आ गया। तो गाइस अभी तक बनाया वो जो भी था उसे मैटर नहीं करता, लेकिन हम देखो फाइनली पहुंच गए, देख सकते हो फाइनली जो है हम गार्डन के पास पहुंच गए हैं। गाइस देख सकते हैं यही वो खूबसूरत सा जगह है, और ये जो देख रहे हैं ये गार्डन का गेट है। और हाँ हो, मैं इससे पहले आपको एक ब्लॉग के माध्यम से मैं अपने ये लास्ट ईयर जो मैं जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा था उसका ब्रांच यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। कोशिश करूँगा अगर वहाँ हमारे कुछ जानने में होंगे तो उनसे ट्राई करूँगा बात करने का, बात करके कुछ नॉर्मल चीज़ें आपको बताने का। तो चलिए हम लोग रोड क्रॉस करते आइए। तो चलिए भाई हम लोग रोड क्रॉस कर गए हैं, और ये जो देख रहे हैं आप ये पार्क है, ये पार्क का नज़ारा है। और दोस्तों मैं पार्क के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ का जो पार्क जो होता है ना भाई, एक चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, वो क्या चीज़ है आपको, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल में जो कॉफ़ी शॉप होता है ना वो सब आपको अक्सर मिलेगा, वो मिलेगा। दूसरी बात है कि आपको जो है कुछ कुछ फास्ट फूड का भी मतलब मिलेगा, और बच्चे लोग का जो होता है यहाँ पे भाई जो चीज़ सब वो सब, तो झूले वगैरह सब ये सब नॉर्मल वे में आपको मिलता रहेगा। और देखो यार कितना ग्रीन है यार, लोग कोई किसी ने कहा है कि मतलब यार सऊदी के अंदर ग्रीन देखने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है भाई, ये सब फॉल्स है। और हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, वीडियो के माध्यम से पूरा रियल दिखा रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ सीन नहीं है, पूरा हरा भरा सा देखो गार्डन, वाओ देखो ये शेर सिंह है, और देख सकते हैं। तो यही वो भाई पार्क है, और पार्क के आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको ट्राई करता हूँ दिखाने का। हाँ लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, हम हमारे कुछ सर्कल में हो सकते हैं होंगे तो उनसे मैं बात करूँगा, बात करके बताऊँगा कि वाकई में जो अभी का सिस्टम है बंस कैफ़े, बंस कैफे के बारे में शायद आप जानते होंगे। तो फाइनल हम बंस के पास ही पहुंच गए हैं, और बात करने का ट्राई करते हैं कि वाकई में जो सिस्टम है पहले से अभी कुछ चेंजेस हुआ है या बस जस्ट उसी पे चल रहा है। तो चलिए हम फाइनली पहुंच गए भाई, तो वह यही बंस कैफे है, और ये जो आप देख रहे हैं ये ड्राइव थ्रू होकर के मतलब कारें आती है, और कारें आने के बाद ये जो आप देख रहे हैं कैश का पॉइंट है, यहाँ से मतलब वो लेकर के जाते हैं। तो चलिए हम फाइनली जो है भाई बंस कैफे में पहुंच गए हैं, और अभी जो इनका मतलब ऑफर जो लगा हुआ है भाई फिजी लेमन का है, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये अभी मतलब आई मीन ऑफर नहीं मतलब प्रमोशन बोर्ड है, और देख रहे हैं सिंस 1992, और सिंपल सा सिस्टम है भाई। ये जो आप देख रहे हैं ड्राइव थ्रू है, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये एक कैश पॉइंट है, और कैश पॉइंट तो लो भाई अचानक से हमारा दोस्त मिल, यार मुझे बहुत खुशी मिल रहा है क्योंकि हमारा दोस्त मिल गया है हमारे साथ में भाई। भाई पहले भले ही वो मतलब बरिस्टा थे, लेकिन आज देखो यार वो एक लीडर बन गए हैं कि मतलब वो ब्रांच को लीड कर रहे हैं। और चलिए श्याम नाम है ना, और राहुल नाम है भाई, मैं भूल गया था यार, राहुल भाई है, राहुल भाई से हमारी आज मुलाकात हुई है ये बंस कैफे में इनको काम करते हुए। कितना, एक साल से तो प्लस हो गया ना, डेढ़ साल हो गया ना? दो साल हो गया भाई भाई का। अभी क्या सैलरी का कुछ मतलब बढ़ा हो रहा है या कुछ नहीं चल रहा है? इंचेस से चल रहा है, इंचेस कर रहा है। कितना, 100 200 300? अभी 250 देता है, 250 देता है। चलो भाई कुछ इजाफा हो गया है, स्टार्टिंग में 200 था, 200 पे भी हमारे कुछ दोस्त थे उनका तो बढ़ा नहीं था, लेकिन भाई मेरा जो था मेरा तो बढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मैं छोड़ दिया था। छोड़ने का वजह है जो आज मैं मौज मस्ती कर रहा हूँ एकदम मस्ती से, अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी वो लगी की बात की जाए तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हूँ। अपने पास टाइम ही टाइम है, लेकिन ये राहुल के पास पूछो ना टाइम नहीं होगा, खाता होगा पीता होगा भागा भाग बहुत चलता होगा। और देखो यार यही है बंस कैफे, और हम फाइनली आज हम बंस कैफे के जो राहुल भाई हैं उनसे हम मुलाकात करवाए हैं। तो कैसा चल रहा है अभी तक का सफर हमारे जाने के बाद?
चल रहा है बस, कंपनी का नौकरी है, गिर-गिर तो होगा ही। गिर-गिर होगा यार। चलिए चलिए आगे। हाँ, हमारे वीडियो को लोग मतलब पता है अभी वंश में आने वाले वो भी देखते रहते हैं, तो उनको आप कैसा मैसेज देना चाहेंगे अगर आना चाहेंगे तो? क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई आना चाहे तो इस कंपनी के अंदर? कंपनी का आने का वो जानबूझ के तो आएगा ना, कैसा है कैसा नहीं है। है हालात कंपनी का अच्छा है, फिर भी थोड़ा तकलीफ भी है, कंपनी का बात सुनना पड़ेगा रात और मुदिर लोग रहेगा, गिर गिर करेगा रात और ये हो ये क्लीन करो वो क्लीन करो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो सैलरी का भी कट हो सकता है। सैलरी भी कट कर रहा है मतलब अभी हम लोग जब हम लोग आपस में साथ में काम किए थे उस टाइम और अभी के तुलना में कुछ सिस्टम वगैरह थोड़ा और हार्ड हो गया, स्टिक हो गया है ना? हाँ, थोड़ा हार्ड हो गया, हार्ड हो गया ना, आदमी लोग जा रहे भी, जा भी रहा ना। तो मतलब भाई टोटली बात किया जाए तो मतलब कि जो पहले का सिस्टम था और अभी के तुलना में मतलब सिस्टम वगैरह चेंज हो गया है। और दूसरी बात ये है कि मतलब पहले जो सिस्टम था अभी क्या मतलब जो कंपनी दे दी थी मतलब एक बरिस्टा पे 200 वो शॉट दे ही रहा है या फिर खत्म कर दिया पीने के लिए फ्री? एक एम्प्लॉय दे रहा है ना? हाँ वो दे रहा है यार, लेकिन हम लोग फिर भी चोरी करके स्पेनिश पी लेते थे भाई, रियल में बता रहा हूँ, मैं पीता था, मैं दूसरे का बता नहीं सकता। तो चलिए भाई, राहुल भाई का कहना है कि देखो सबसे पहले मैं बताना ये चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चाहिए, आप बांग्लादेश से हो, इंडिया से हो, नेपाल से हो, मैटर वो नहीं करता है, लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो आज तो आपके लिए बंस बेस्ट है। क्योंकि फ्रेशर के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे सीखने को बहुत मिलता है। अभी राहुल से अभी अरबिक में बात करेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं अच्छा आ गया होगा अरबिक, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में रहा होगा तो उसको भी नहीं पता रहा होगा, क्योंकि आपको ये चीज़ पहले सीखने को मिलेगा, क्योंकि कैश वगैरह भी लीड करने को मिलेगा। और दूसरा बात है जो हाँ जो यहाँ का आर्ट वगैरह होता है, डिजाइनिंग होता है कॉफ़ी का, वो सब थोड़ा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ट्राई करोगे तो आप वो भी हो जाएगा, क्योंकि ये ड्राइव थ्रू है। ड्राइव थ्रू में कस्टमर आते हैं ना भाई, तो कस्टमर आते हैं तो कैसा रहता है? कस्टमर गुस्सा में रहते हैं कभी कभी, रहते हैं ना जल्दी में रहते हैं, कभी कभी जल्दी में रहता है, हालात में जल्दी करते। मतलब एक कॉफ़ी को बनाने में कितना टाइम लेता है जो होता है स्टैंडर्ड होता है, कितना टाइम? 90 सेकंड के अंदर भाई बना के देना पड़ता है। इसीलिए आप आर्ट वगैरह तो मतलब थोड़ा मुश्किल से ट्राई कर पाओगे, कस्टमर को 90 सेकंड के अंदर देना होता है। कभी कभी कोई कस्टमर आएगा, वेट करेंगे कितना कस्टमर होगा, वेट नहीं करता है। और देख सकते हैं भाई यही बंस कैफे है, और बहुत खुशी मिला कि अचानक हमें मिल गया। हम तो सोचे नहीं होते कि यार हमारे इंचार्ज हो जाए, हो गए होंगे हमारे राहुल भाई, लेकिन इंचार्ज बन गए। और देखो भाई यही गिर-गिर कंपनी है, हम इसको छोड़ के जा चुके हैं। और देख सकते हैं अभी जो आया फीजी लेमन का आया हुआ ना, फीजी लेमन का प्रमोशन आया हुआ है। और हाँ चलिए, हम तो थे तो मतलब अभी तक मतलब कितना मतलब वो आइटम मतलब बढ़ा है, एक बेकरी भी बढ़ाया, बेकरी भी बढ़ाया, और आज सेकंड तुर्की है, आज सेकंड तुर्की। ओ माय गॉड यार, कस्टमर हम जब थे तो आज सेकंड तुर्की बोलता था, मैं कंफ्यूज था कि आज सेकंड किधर बनता है, लेकिन बंस के अंदर देखो यार बहुत सौभाग्य की बात है कि मतलब यहाँ एक आइस सेकंड भी मतलब आ गया तुर्की। चलिए और क्या चीजें बना है? आइस सेकंड तुर्की और फिजी लेमन, फिजी लेमन और वेलकम स्प्रिंकलर। ओके, बेकरी में प्लेट क्रोसन आया नया। ओहो, प्लेट क्रोसन, मिनी कुकीज, मिनी ब्राउनीज। वाओ, मतलब कहीं ना कहीं धीरे धीरे चेंजेस कर रहा है। नहीं, कंपनी खराब नहीं है, बस कंपनी का जो सिस्टम है ना भाई, कुछ मुदीर सब है ना, वो लोग थोड़ा मतलब घटिया हरकत करते रहते हैं। अब बात किया जाए यार, हम जब थे तो हमारे पहले मतलब जो एरिया मैनेजर थे वो कभी कभी हम लोग को बोनस वगैरह भी दिया करते थे, लेकिन अभी का मुझे सिस्टम नहीं पता, अभी बोनस वगैरह आता है कि नहीं आता? जिस ब्रांड में सेल थोड़ा ज्यादा है, फिर भी कितना होगा वही 50-100? हाँ तो मतलब दोस्तों वही है सिस्टम कि मतलब वही आ रहा है। और चलिए, कैसा लगा हम आपसे मिले हैं आज? अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद। हाँ देखो यार, हमें भी खुशी मिला यार। तो गाइस चलिए, जो बंस कैफ़े के इनसाइड का जो काम करने का जो एरिया होता है वाकई में कैसा होता है, कैसा होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। तो भाई ये बंस का जो है इनसाइड का है, और आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं बेकरी का सिस्टम है, और ये ग्राइंडर मशीन। तो गाइस देख सकते हैं ये एस्प्रेसो मशीन है, दो प्रोटा फिल्टर वाला। हाँ, दो प्रोटा फिल्टर वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पे सेल कम है इसीलिए दो प्रोटा फिल्टर वाला है। और ये देख रहे हैं इस कंपनी के अंदर आपको आना था, देखो 7 इंच का है, दूसरा 9 इंच का है, तीसरा 12 इंच का है ना। और बाकी कोल्ड वाला किधर है भाई? हाँ कोल्ड वाला देखो यार उधर है। और देखो देखो इसका जो मतलब रैक है, देखो
एक फर्स्ट जो देख रहे हैं गवार भी है, सेकंड फ्रेंच फ्राई बोलते हैं फ्रांस है, क्योंकि फ्रेंच फ्राई अभी हमारे इधर ज़्यादा चलता है तो मुझे याद आ गया। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं तुर्की सलीब है, मिल्क है, और सेकंड तुर्की मतलब ब्लैक है, मतलब है ना तुर्की सादा। और कस्टमर अभी नहीं आ रहा। और ये जो आप देख रहे हैं हमारे पास भी है, ये मशीन देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी का अमरीकी का, ये तो हमारे पास भी है, हम आपको कभी कभी ब्लॉग के माध्यम से दिखाते ही रहते हैं। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये स्लाइस मोका है, एक चॉकलेट है। इसका जो मतलब टाइमिंग होता है भाई, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ 90 सेकेंड ही है ना, 90 सेकेंड ही अभी तक भाई। और ये सब जो आप देख रहे हैं मोनिन का है, स्वीट, हाँ मोनिन का ही ये सब। हाँ पहले स्वीट बर्ड भी आ रहा था ना बीच में, फ्लेवर स्वीट बर्ड भी है। और देख सकते हैं भाई यही सिस्टम है भाई, कुछ खास नहीं है, बस नॉर्मली है, इसी तरह से आपको काम करना पड़ेगा। और ये सिस्टम है, और ये सिस्टम को अच्छे से चलाते रहे, लेकिन हमें अभी बड़ा लग रहा है यार सिस्टम, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं ना, इसलिए हमें बड़ा लग रहा है। यही है भाई, सिंपल है, कुछ खास नहीं है, हाँ बट लेकिन उसके लिए सिंपल है जिसके पास जानकारी होती है। उन गाइस के लिए जो लोग फर्म्स के अंदर आना चाहते हैं, उनके लिए मैं छोटा सा एक कुछ मेनू आइटम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे जो सबसे भाई स्पेशल है ना, मतलब कि जो ज्यादा ना काफी मतलब रनिंग आइटम है ना, सबसे ज्यादा आइस व्हाइट मोका है, जो कि यहाँ का जो गर्ल्स वगैरह होते हैं ना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, है ना, आइस व्हाइट मोका काफी मतलब ज्यादा जाता है। और दूसरा जो है यहाँ पे स्पेनिश है ना, स्पेनिश लाते हैं। और बाकी बात किया जाए तो मतलब जो आइस टी वगैरह आता है उसमें सबसे ज्यादा खोख जाता है, आइस टी खोख जाता है। और दूसरी बात यह है कि भाई अगर आप इस कंपनी में आ रहे हो तो आपको कम से कम कुछ हो ना हो, लेकिन आपको नॉर्मल जो बेसिक जानकारी होता है ना आपको कंपलसरी होना मांगता है। अगर बेसिक जानकारी है तो आप इस कंपनी में आकर के बहुत कम समय में ग्रोथ थोड़ा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। और मैं ट्राई करूंगा दिखाने का, देखो अभी जो कुछ कुछ चेंजेस हुआ है उसके बारे में बताऊंगा कि हम जब थे तो उस टाइम क्या नहीं था। देखो जैसे कि आइस मच्छा लाते अभी नया आया है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जैसे कि स्पेशल हॉट चॉकलेट हो गया, पहले हॉट चॉकलेट, अभी स्पेशल हॉट चॉकलेट नाम चेंज हो गया है, क्रांची बॉक्स है। तो मतलब देखो टोटल भाई यहाँ पे जो मतलब है आपको क्या बोलते हैं, लाते हैं कैपेचिनो है, कैरामेल मिकियातो है, मोका है, उसके बाद मचा लाते हैं, फ्लैट वाइट भी आ गया है, और ब्लैक कॉफी तो आपको पता होगा स्पेनिश लाते हैं, सहलब है, स्पेशल हॉट चॉकलेट है, अमरीकी है, वाइट मोका है, वाइट मोका तो भाई अमरीकी बॉक्स है, मतलब अमरीकी का बॉक्स है। और बाकी कोल्ड बेवरेज में आप जैसा कि देख सकते हैं स्पेनिश लाते हैं, आइस मच्छा लाते हैं, उसके बाद तुर्किश आइस सेकेंड है भाई, ये नहीं था लेकिन ये भी आ गया। उसके बाद बब्बल गम स्पार्कलर है, उसके बाद फिजी लेमन, ये सब मतलब नया आया है। और दूसरी बात ये कि आइस टी है, उसके आइस टी, यस आइस टी है, उसके बाद दूसरा है रेड सन, और जो यहाँ पे देख रहे हैं आइस अमेरिकानो भी है, आइस अमेरिकानो पहले से ही था, और बाकी चॉकलेट फ्लेवर है, मोका फ्लेवर है, तो टोटल मतलब यही सब आइटम है। और उसके बाद जो कॉफी ग्राउंड बीन्स जो है उसके पास ये भी है, जैसे हरारी है, स्पेनिश है, ब्लैक कॉफी है, तुर्किश है, तुर्किश मीडियम डार्क है, उसके बाद तुर्किश कॉफी सकारा है, उसके बाद फ्रे इधर इंस्टेंट कॉफी का भी है, उसके बाद टीन भी है यहाँ पे। तो मतलब यही सारा है, कुछ खास नहीं है, ज़्यादा नहीं है, हाँ लेकिन इसके लिए भी आपके पास बेसिक जानकारी वगैरह होनी चाहिए, जैसे कि नॉर्मल कैपेचिनो वगैरह आपको आना चाहिए, तभी आप इस कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं, इसलिए आप मतलब जो है ना गेट कर सकते हैं जो, अदरवाइज यहाँ पे भी अलाउ नहीं है भाई। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना भाई चाय बनाना बहुत लोग बोलते हैं, उनके लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ, यहाँ पे आकर के थोड़ा देखो तब पता चलेगा कि यहाँ पे चाय नहीं चाइबा बनता है भैया, चाइबा बोला जाए तो मतलब निकल जाता है अच्छे अच्छों का मतलब थी, क्योंकि अगर जानकारी ना हो डायरेक्ट आ जाए तो, क्योंकि यहाँ पे भाई बात किया जाए तो मतलब कई कंट्री का मतलब हो, कितना कंट्री का होगा यहाँ पे जो कॉफी जैसे कि फ्रांसी है, फ्रांस का हो गया, तुर्की का हो गया, उसके बाद गाबा अरबी हो गया तीसरा, उसके बाद रसबेरी, ये सब तो मतलब यहाँ का ही बाहर का ही, मतलब टोटल मतलब भाई बात किया जाए तो 6-7-8 कंट्री का मतलब इस छोटा सा ब्रांच के अंदर मतलब कॉफी बनता है। और सोच सकते भाई सब जगह का जो मतलब स्टैंडर्ड वगैरह जो होता है ना काफ़ी अलग अलग टाइप का, तो इसीलिए आपके पास जानकारी होना जरूरी है, सही बता रहे ना बंदो, जानकारी होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, अगर जानकारी नहीं होगा तो बंगाली सम्मान मांगे खा जाएगा।
बोलेगा पर्दा क्लीन करो उधर क्लीन करो, है ना। इसीलिए मतलब वो क्लीन भी करना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो ये सब जो है ये सब मतलब भाई करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम है। क्योंकि अगर भैया अगर आएगा तो फाइन आपको फाइन कंपनी पे नहीं मारेगी, आपके काम पे मार देगी, और आपके काम पे मार देगी तो वो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो आप होंगे। इसीलिए ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। और चलिए हम जो आए थे आपको मतलब पार्क का नज़ारा दिखाने के लिए, बाकी पार्क का नज़ारा भी दिखा दीजिए। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम हमारा जो ब्लॉग है भाई यहीं पे अंत होता है। बाकी फिर मिलते हैं आपके साथ इससे भी खूबसूरत सा ब्लॉग के साथ।